हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। और क्या ये सच में हमारी स्किन से एक्ने पिंपल्स को ठीक करेगा, तो ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो फेस वॉश है जिसका नाम है पैरागॉन, और ये सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी आती है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है ये ऐसा, और इसकी ऐसी कार्डबोर्ड की पैकिंग बहुत अच्छी वाली पैकिंग बनी हुई है इसकी। और जो इसकी आउटर पैकेजिंग ऐसी है, और जो आता है ये बॉटल टाइप में आता है, ऐसे पंप टाइप बॉटल में आता है, तो अच्छी सी बॉटल बनी हुई है, पंप टाइप है, तो ईजी है निकालने में भी, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है मेंशन किया हूँ वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है माइक पैरागॉन, इसका नाम लिखा हुआ है, और योर स्किन्स हार्ट बीट यहाँ पर लिखा है, माइक्रो इनकैप्सुलेटेड एंड थेरापेटिक, और फेस वॉश नीम एंड तुलसी पीएच बैलेंस्ड फॉर पिंपल्स एंड ऑयली स्किन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बताई हुई है, 120 इसकी ML इसकी क्वांटिटी है, और 2 ईयर आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है, और प्राइस इसका 230 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो हो सकता है ऑफर्स में मिल जाए, अदरवाइज़ आपको लोकल स्टोर में मिल जाता है, आसानी से इजीली मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लिखा है नीम और तुलसी एक जेंटल माइक्रोथेरेपी की थेरेपी वॉश है, और ये एक सोप एंड ऑयल फ्री फेशियल क्लींजर है जो कि ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट होता है। और इसमें नीम ऑयल है और तुलसी ऑयल के माइक्रो कैप्सूल्स हैं जो फेस पर लगाते समय जो आप रब करेंगे तो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करते हैं। और इसमें नेचुरल बोटैनिकल एसेंस है, नीम और तुलसी एक्सट्रैक्ट है, जिससे आपकी स्किन क्लीन और रिफ्रेश महसूस करेंगे आप। तो यहाँ पर डायरेक्शन बताई हुई है, इसे यूज़ करने के बारे में बताया है, यहाँ पर लिखा है फेस को वेट कर लें और जेंटल मसाज करें ताकि नीम और तुलसी के जो माइक्रो कैप्सूल्स हैं वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएं, और लगाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें, और उसके बाद सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लें। और बेस्ट रिजल्ट के लिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है पैरागॉन का मॉइस्चराइज़र और पैरागॉन का सनस्क्रीन क्रीम जो है उसे यूज़ कीजिए। और यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन मेन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसमें है ग्लिसरीन, अगर इक्लिप्टिस, मैंथल और एलोवेरा है इसमें। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये हाइपो एलर्जेनिक है और सोप फ्री है, नॉन कोमेटोजेनिक है, PEG फ्री है, डर्मोटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और SLS फ्री है। तो अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बताऊँगी, मैं यहाँ तक इसको यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी हद तक इसको ख़त्म होने वाला है ये, और इसका कलर लाइट ग्रीन सा है, और इसमें छोटे छोटे से कैप्सूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल एकदम तुलसी के जैसी इसकी स्मेल है। और अब मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँगी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम एक जेल टाइप है ऐसी है, इसकी ग्रीन सा कलर है इसका। और इसको लगाने के बाद ये आपके फेस पर कुछ ज़्यादा लेदर नहीं करता है, बिल्कुल कम लेदर होती है, और इसे रब करते ही जो इसमें जो कैप्सूल हैं आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, जस्ट इतना सा मुझे रिज़ल्ट मिला है कि मेरे फेस पे बिल्कुल जैसे कि pH बैलेंस है, लेकिन वो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम थी मेरी चिन के आसपास होती रहती है, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया है इसे लगाने के बाद। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है, चिन के आसपास जो पिंपल्स थे वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा था नीम और तुलसी का बना हुआ है तो शायद रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है जितना मैं चाहती थी। तो मेरी तरफ से ये ठीक ठीक है, हो सकता है मेरी स्किन पर सूट नहीं किया हो, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसे यूज़ करने पर पिंपल्स जो एक्ने की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट फेस क्लींजर है। और वॉश करने के बाद थोड़े टाइम के बाद ही मेरी स्किन पर ऑयल आ जाता है, ऑयली सी हो जाती है जस्ट थोड़ी देर बाद ही। और ये था मेरी स्किन पर जो इसने रिएक्ट किया, उसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे जैसा रिज़ल्ट मिला मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस देखना लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।